हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं हूं अनुराधा और आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूं नवरात्रि डे 5 मेकअप लुक। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। साथ ही अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, वो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डिले, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना CTM कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है बायोटिक का नेचुरल मेकअप फाउंडेशन इन दी शेड सी शेल। आप इसमें शेड अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो। इसको पहले मैंने डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई किया, उसके बाद मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। आपके पास अगर ब्यूटी ब्लेंडर ना हो तो आप इसको हाथों से भी ब्लेंड कर सकते हो। और बचे हुए प्रोडक्ट को मैं एज अ कॉन्सीलर अप्लाई कर रही हूँ, अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करूँगी। मैं अलग से कोई कॉन्सीलर अप्लाई नहीं करूँगी और इसको भी मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको पाउडर से सेट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं करने वाली हूँ अपना आई मेकअप। उसके लिए मैंने लिया है पिंक कलर और इसको मैं अपने क्रीज पर अप्लाई कर रही हूँ। मैं एक आईलाइनर का शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ही मेरा मन किया कि मैं आज आई मेकअप जो है वो थोड़ा सा अलग करूँ। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर पिक कर सकते हो। उसके बाद मैंने ऑरेंज कलर लिया और ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ लाइट ब्राउन कलर, एकदम लाइट ब्राउन कलर है। और उसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी गोल्डन कलर का शिमर शेड और इसको मैं डायरेक्टली अपनी फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि शिमर कलर जो है वो मैं अपने फिंगर टिप से ईजिली अप्लाई कर पाती हूँ। और उसके बाद पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूँ। आप देख रहे हो मैं जिस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर। मैंने लैक्मे का आईलाइनर लिया है और मैं सिंपल सा विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं मिरर में देखकर इसको अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि कैमरे में देखकर लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं साइड में जो मिरर लगा हुआ है उसकी हेल्प से मैं इसको लगा रही हूँ। गाइज, एक और बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अपना इंस्टाग्राम हैंडल मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर करना। जैसे आप लोग मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हो, प्लीज़ आप लोग मुझे वहाँ पर भी सपोर्ट ज़रूर करें। और अब मैंने अप्लाई कर लिया है फॉल्स आई लैशेस। और आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर से मैं अपने फाउंडेशन को पाउडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी। जो भी फॉल आउट होता है आई मेकअप करने के बाद वो भी ठीक हो जाता है। और उसके बाद मैंने काजल अप्लाई नहीं किया है। मैं अपने लोअर लीड लाइन में पेंसिल ब्रश की हेल्प से पर्पल कलर अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद मैं अपने आई लैशेस और फॉल्स लैशेस में अप्लाई करूँगी मस्कारा। और उसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को सेट करूंगी, जिसके लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का 2-in-1 आईब्रो प्लस जेल आईलाइनर। तो ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लूंगी और उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी अपने फेस पे कॉन्टोर ब्लश एंड हाइलाइटर। उसके बाद मैंने लिया है लिपस्टिक फ्रॉम ग्लिमर इन द शेड पिंक। बहुत ही प्यारा पिंक कलर है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कलर पिक कर सकते हो लिपस्टिक का। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माई फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर देना। ज्वेलरी जो है वो मैंने मीशो से मंगाई है। अगर आप लोगों को परचेस करनी है तो कमेंट करना, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर ज़रूर करूँगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।